कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है ब्लॉगिंग वर्ल्ड बाय सावन में। और आज हम लोग जा रहे हैं बुलानी में जा रहे हैं झिंकरा वाटरफॉल, और ये है उड़ीसा में। और हमारे साथ है विशाल भाई। विशाल हाय बोलिए। हाय गाइस। और हमारे साथ और एक भाई, अपने नाम है सनातन धर्म के साथ हम लोग हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। और देख लीजिए, और एक हमारे कैमरा मैन भी है, उनका नाम अमित है। उनको दिखाएंगे, रिवील करेंगे लास्ट में। दिखा दीजिए आप। फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो चलिए दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा, झिंकरा वाटरफॉल। तो मिलते हैं स्पॉट में। तो देख सकते हैं कुछ रोड इस प्रकार है। तो यहाँ पे हम लोग कोई दिक्कत हुआ था रोड वोड का वजह से, कुछ जाम लगा हुआ है। इंस्पायर्ड ऑफ डेफ रोड तो देख रहे होंगे बाहर कैसा लगा, पीछे का था, पार हो चुके हैं। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। तो देखते हैं, मिलते हैं अगले स्पॉट। तो भाई तुम इधर बाहर पर काहे आ जाता है? भाई तुमको नजारा दिख नहीं रहा है, मोहब्बत गई। अरे मोहब्बत गई बाहर में और हम चले हैं पहाड़ में। दिखा दीजिए पहाड़ी बात को, सही बोला, घुमा के दिखाइए। अच्छा जगह है भाई, आप लोगों को यहाँ का नज़ारा देख रहे होंगे, काफ़ी सुंदर है। बारिश का मौसम है तो कतई जहर लगता है। और ये देखिए हमारे पीछे का व्यू पूरा सुंदर लग रहा भाई, लग रहा है बादल वादल सामने है हम लोग का। जरा देख के, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, भाई पानी का सुविधा पूरा है, आप लोग आ जाइए बस बिना पानी का। मोहब्बत गई बाहर में, यही है पहाड़। आ जाओ भाई, आ जाओ, देख लो भाई जन्नत से। अरे भाई जन्नत में गिरा मत देना, तुम आगे देखो ना, जन्नत में लोग पहुंच जाएंगे। जन्नत तो नहीं डेस्टिनेशन बन गया भाई, अच्छा जगह है, सोचा नहीं था। भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि झिंकरा वाटरफॉल इतना सुंदर होगा। अभी मेरा यहाँ से आदूर नहीं था, मेरे बगल से शायद 28 किलोमीटर था। तो काफी सुंदर नजारा मिल रहा भाई, रास्ता मतलब डेस्टिनेशन पहुंचेंगे तो और मजा आएगा मालूम नहीं, पर सफर का मजा बहुत आ रहा है। क्या विशाल भाई, एकदम सफर का मजा आ रहा है भाई लोग, देख लो भाई, आ जाइए भाई पीछे देख लीजिए। फ्रेंड फैमिली जो भी है आ जाइए। अरे भाई का इतना जहर, इसके साथ भी आप मजा ही मजा, मजा ही मजा भाई। राइट टाइम है भाई, बारिश में आओ, यहाँ से ब्लॉगिंग रुकेगा नहीं दोस्तों। फाइनली उड़ीसा और डेस्टिनेशन, तो हम लोग आ चुके हैं झिंकरा वाटरफॉल। और यहाँ से कुछ ही मीटर में है, और दिखा दीजिए, नहीं दिख रहा है तो आइए, यू कैन हियर दिस साउंड, धीरे धीरे बढ़ते ही देखिए पास, आपको आइए आइए आइए, आपको छोटा सा पुल दिख रहा है, वो भी ये हैंडमेड है। और यहाँ जान जान तो बहुत जोखिम है, तो यात्री अपने अपने जोखिम खुद रखा। बारिश का मौसम में पूरा भीग जाता है भाई, ऊपर से पानी पार हो जाता है। और दिखा दीजिए कैमरा मैन ये सब, मेन बस वाइल्ड याद आ गया, चलिए आ गया।
एडवेंचर। मालूम तो नहीं है खाने का है कि नहीं, मुझे तो ये सब खाली फोटो खींचिए और आगे बढ़ते रहिए। खुजली का पत्ता, खुजली का पत्ता है ये छेदा तो खत्म ही नहीं हो रहा, देखिए घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा वहाँ। देखते हैं और कितना घुसना पड़ेगा, देखते हैं कब पहुँचते हैं डेस्टिनेशन में। बाइक छोड़ दी है भाई, अब हम लोग पैदल आ गए, पैदल। ये भाई कहाँ पहुँच गए, भाई बियर का बोतल ये सब भाई क्या है भाई, जो आते हैं खाइए और लेके जाइए, कहीं और फेंकिए, गलत काम मत करिए। तो अभी हम लोग पार करने वाले झील, आइए पार करते हैं। फाइनली हम लोग सुरंग पार करके सनलाइट में आ चुके हैं। आइए, अरे इसलिए हम लोग पहुँचे नहीं अभी तक। क्या दिख रहे हैं गाइस, अरे आइए दिखिया 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 जल्दी आइए जल्दी आइए, कैमरा वाला का जरूरत है। एज यू कैन सी डेट, तो हम लोग आ चुके हैं झिंकरा वाटरफॉल, बुलानी में है उड़ीसा। दिखा दीजिए आप, एडवेंचर से भरा हुआ है। अब दिखा दीजिए हमें, कैसा लगा वाटरफॉल, कैसा लगा उड़ीसा का, आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन करें, बताएगा आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और यहाँ काफ़ी एडवेंचर की जगह, आप लोग आएंगे ना आपको बहुत मज़ा मिलेगा, आप लोग खुद आएर खुद एक्सप्लोर खुद एक्सप्लोर करिए भाई, अलग मज़ा। भाई हम लोग आए बारिश का मौसम है, काफ़ी ठंडा ठंडा भाई, एसी लग रहा है, एसी कूलर लग रहा है एकदम। तो महाकाल के नाम पे आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सावन में जरूर मुर्गा महादेव जाएं, बहुत मज़ा आएगा। और हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बोल राम। तो देखिए अभी चटनी डाल रहे हैं, हमको क्या फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग समोसा और बड़ा खाने वाले हैं आज। देखिए और ये चटनी इधर दिखाइए, दिखाइए हमको ना चाहिए कुछ। और आप लोग सावा चटनी है, देखिए समोसा है, ये समोसा गरम गरम गरम। और इधर दिखाई दे रहा, क्योंकि आप लोग अगर पिकनिक करते हैं, लेकिन यहाँ जो दारू बोतल है प्लास्टिक है, कृपया आप लोग कहीं ऐसे रखा हुआ है डस्टबिन रखा हुआ, वहाँ फेंकिए, अगर बस इधर उधर फेंकिए मत, सुंदर को खराब करता है सुंदरता। तो अभी खाते खाते उस बात बताते कैसा था, दिखा दो